करनाल के टैगोर बालनी केतन स्कूल सेक्टर 6 में सीबीएसई की ओर से एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें हिमाचल व हरियाणा से लगभग 225 प्रिंसिपल ने हिस्सा लिया। ट्रेनिंग प्रोग्राम को सीबीएसई की डिप्टी सेक्रेटरी नीति शंकर शर्मा ने संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान सीबीएसई की परीक्षाओं के दौरान आने वाली खामियों के बारे में समझाया और उन्हें ठीक करने के बारे में ट्रेनिंग दी। इस मौके पर टैगोर बालनिकेतन स्कूल सेक्टर 6 के प्रिंसिपल डॉक्टर राजन लांबा ने बताया कि यहां पर हरियाणा व हिमाचल से सीबीएसई से जुड़े स्कूलों के प्रिंसिपल आए हुए हैं। यह ट्रेनिंग लगभग 6 स्थानों पर चल रही है, जिसमें करनाल का टैगोर बालनिकेतन स्कूल भी शामिल है, जिसमें सीबीएसई से आए अधिकारियों द्वारा सेमिनार का आयोजन कर यह ट्रेनिंग दी जा रही है। उन्होंने बताया कि ऐसे ट्रेनिंग सेमिनार आयोजित करने के उद्देश्य यह है कि सीबीएसई से जुड़े सभी विद्यार्थी एवं स्कूल इसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर सके और परीक्षाओं के दौरान उनको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। देखिए एक रिपोर्ट। सबसे पहले तो मकर संक्रांति और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है, ये सीबीएसई ने ऑर्गेनाइज की है, जिसमें हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के 225 प्रिंसिपल आए हुए हैं। ऊपर इसमें मैडम नीति शंकर जो शर्मा है, डिप्टी सेक्रेटरी सीबीएसई ट्रेनिंग प्रोग्राम की, वो प्रिंसिपल टीचर्स को ट्रेनिंग देने के लिए आई हुई है कि जो कमिंग एग्जाम है, क्योंकि कुछ कोर्ट्स की के डिसीजंस हैं कि जो स्कूल्स में बच्चों की आंसर शीट्स चेक होती हैं, कुछ सेंटर्स की प्रॉब्लम्स होती हैं, और उनको पहले से ही प्री ट्रेनिंग दी जा रही है कि आने वाले फ्यूचर में किसी भी तरह की बच्चों को किसी भी तरह की समस्या से ना जूझना पड़े, और हम लोग पहले से ही इसके लिए प्लानिंग से चले, और जो जो पिछले कुछ दिनों में पिछले सालों में जो जो कमियाँ रही हैं, या कहीं कमी है तो नहीं कह सकते, कुछ किसी कारण से कोई त्रुटि रह गई है उसको ठीक किया जा सके, इसको लेकर ही ये पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर 6 जगह ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है अलग अलग डेट्स में। तो जिसको जहां सूट करता है उसको पहले ऑनलाइन किया है, उसके बाद ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है। सर, आज के ट्रेनिंग प्रोग्राम में कितने जिले भर के प्रिंसिपल या सारा हरियाणा और हिमाचल है। अभी ये तो कह पाना कितने जिले कवर हैं, ऑलमोस्ट जिले तो सारे ही कवर है, क्योंकि ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के में रखा हुआ है। मैं अभी आपको बता भी सकता हूँ कि ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है हमारे हरियाणा हिमाचल में, ये लॉरेंस स्कूल हिमाचल, एलए मोंटेसरी स्कूल कुल्लू, दिल्ली पब्लिक स्कूल रेवाड़ी, विद्या देवी जिंदल स्कूल हिसार, 3 जगह हो चुका है, चौथा टैगोर स्कूल में है, पांचवा लॉरेंस स्कूल सोनावर में है, और छठा दिल्ली पब्लिक स्कूल गुड़गावा में है, और सातवां फिर कांगड़ा के जीएवी पब्लिक स्कूल कांगड़ा हिमाचल में है। तो इस तरह से जो पंचकुला रीजन के 2 स्टेट है, हरियाणा और हिमाचल में, तो ये 7 जगह पे ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है और ये चौथा ट्रेनिंग प्रोग्राम है। तो जिस भी सीबीएसई ने ऑप्शन रख दिया, जिसको जो सा जिला नजदीक ट्रेनिंग सेंटर पड़े वहां पे वो ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो इन ट्रेनिंग जो ये ट्रेनिंग हो रही है, इनका मुख्य उद्देश्य यही है कि इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो बच्चों आने वाला 2020 का एग्जाम है अभी जो 15 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, वो बिल्कुल एरर फ्री और किसी तरह की समस्या का सामना किसी भी तरह से कैंडिडेट्स को, पेरेंट्स को या स्कूलों को ना करना पड़े। सीबीएसई प्रॉपर फिल्म के माध्यम से, पिक्चर्स के माध्यम से और वीडियो और ऑडियो के माध्यम से खुद डिप्टी सेक्रेटरी हम लोगों को ट्रेनिंग के लिए आई है। कोई अपील करना चाहेंगे कुछ कहना? मैं पेरेंट्स से भी अपील करूंगा कि बच्चों को स्ट्रेस फ्री एग्जाम रखें, बच्चों पे प्रेशर ना डालें, और तभी वो काम पूरा होगा अगर हम स्ट्रेस फ्री होकर चलेंगे, क्योंकि सबसे जरूरी है कि स्ट्रेस नहीं होना चाहिए बच्चों के ऊपर, तो अपने आप में एग्जाम बढ़िया होगा। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, world class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting, a perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. aise hi latest khabrein paane ke liye bell icon ko click kar hamare channel ko like, share and subscribe kare. dhanyawad.